और चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की और उसके बाद आचार संहिता तुरंत लागू हुई। लेकिन राजस्थान की सरकार जो लगातार पिछले 4 महीने से सरकार जाने के भय के कारण से लगातार ट्रांसफर, अलग अलग प्रकार की घोषणाएं, प्रलोभन देने के जितने भी तरीके हैं, ऐसा लगा कि उस दिन 9 तारीख को ही सारे काम करके उसके माध्यम से अपने सरकार को बचा सकते हैं। ताड़ों को उन्होंने घोषणाएं करके आचार संहिता के उल्लंघन का पूरे दिन में रस रखा। हम कह सकते हैं कि 9 अक्टूबर को ही 3 आरपीएससी के मेंबर्स को आचार संहिता लगने के बाद घोषणा करते हैं। 2 राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड में नियुक्तियां करने का काम उस दिन होता है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के नाते उस दिन नियुक्ति का काम, 5 बोर्डों का गठन ताबड़तोड़ करने का, जबकि मुख्यमंत्री भी जानते थे इन सबको, जिनको हम बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा देने का कागज की फॉर्मेलिटी भी मिलेगी, ना गाड़ी मिलने वाली है, ना स्टाफ मिलने वाला है, ना उनको ऑफिस मिलने वाला है, केवल चुनावी घोषणा मात्र रह गए। स्थानांतरण की लिस्ट उस दिन देर रात तक निकलती रही और ताबड़तोड़ कैसे हम अपने लोगों को उपलब्ध कर सकते हैं, इसका एक प्रयास मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहे।